जिला अस्पताल में झाड़ फूंक कर बीमारी भगाने का दावा करने वाले को पुलिस ने खदेड़ा। वहीं झाड़ फूंक करने वाला रुपए लेकर बीमारी भगाने का दावा कर रहा था। उसने मरीज से रुपए भी ले लिए थे। मामला संज्ञान में आने के बाद मरीज को रुपए वापस कराए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला अस्पताल में दो दिनों से भर्ती राजेश चौरेकर का पीलिया की बीमारी का उपचार चल रहा है। राजेश चौरेकर के पास हेमराज निवासी मेवाड़ी पहुंचा और उसने झाड़फूंक से पीलिया बीमारी ठीक करने का दावा करते हुए मरीज से 100 रुपए भी लिए। इसके बाद अस्पताल परिसर में ही राजेश के सिर पर थाली में सरसों का तेल डालकर झाड़फूंक करने लगा। इसकी जानकारी लगते ही पुलिस ने पीड़ित को पैसे वापसी कराकर उसे अस्पताल से भगाया। वो सरसों का तेल और पानी मिक्स करके वो पीतल की थाली में सिर पे घुमा रहा था, वो घास के साथ में, तो वो पीला पीला हुआ, तो बोलिए पी लिया है, बोले निकल जाएगा। बोले वो बोला मैं बार बार लगातार झड़ा के दूंगा, बोले 3 बार अभी 3 घंटे के बाद में बताना, बोले कि भाई आराम लगा कि नहीं लगा, गारंटी के साथ में देता हूँ। मुझे जानकारी लगी कि एक 4 नंबर वार्ड में पेशेंट भर्ती था, वो किसी बंदे के पास गया था कि मेरे को पीलिया हो गया, तो वो शायद झाड़ता था ऐसा उसने बताया। तो वो पता किया तो ये वार्ड में भर्ती था, इससे उसने बाहर अस्पताल के बाहर ले जाके उसके पीलिया झाड़ा और 100 रुपये लिए थे उससे।